वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में मैं कुछ आप ही की तरफ से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा जो अक्सर मुझसे जो है फोन कॉल किए जाते हैं। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिससे आपका भी वक्त बचे और मेरा भी वक्त बचे। तो ये वीडियो है लाइकोमा के बारे में। एक मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे थोड़ा वायरल मैं कहूँगा हो गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं और उस कॉल्स में आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, तो चूंकि ड्यू टू द टाइम थोड़ा कम होता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर आपको ऑन कॉल सब बताना, इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, आप इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिनका आपने वीडियो देखा वो लोकल पेशेंट थे, वो यहाँ क्लिनिक पे आ सकते थे इसलिए उनका एक्यूपंक्चर भी मैंने किया था और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी। दूसरा आपका सवाल होता है क्या सर मुझे भी आना पड़ेगा, तो जो लोग दूर हैं उनको आने की जरूरत नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है मेन होती है उसको हम देते हैं और उसी से हम कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए। सवाल सबसे मेन होता है कि जो लाइकोमा जिसे हम बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं, चर्बी की गांठ भी कहते हैं, क्या ये दवाओं से ठीक हो जाता है? सबसे पहला और प्राइमरी क्वेश्चन यही होता है आप लोगों की तरफ से। तो मेरा आंसर इस पर क्लियर सुन लीजिए, अगर बहुत ज्यादा आपको लाइकोमा हो गया है तो याद रखिए उसको दवाओं से ठीक करने में भी उतना ही समय या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है जितने दिनों में वो हुआ है। सपोज अगर कोई किसी किसी को 6 महीने, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से धीरे धीरे करके गांठ ग्रो हो रही, ग्रो हो रही, ग्रो हो रही है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गांठें हो गई और पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में स्प्रेड कर चुकी है, हर जगह ही है उसको लाइकोमा, एक दो जगह पे नहीं है। किसी किसी को बहुत बड़े बड़े कहीं कहीं बॉडी के यानी किसी एक पार्ट पे होते हैं, अगर उनको बड़े बड़े किसी बॉडी के एक पार्ट में है तो मेरा ओपिनियन है उनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। मेडिसिन के पीछे अपना वक्त ना बर्बाद करें। हमारा एक पेशेंट था जिसको इतना बड़ा था, इतना नियर अबाउट, यानी मैं समझता हूँ कि अराउंड जो है 750 ग्राम से भी ज्यादा था और यहीं पे शोल्डर पे ऊपर था, ट्रेपेजियस मसल से कनेक्टेड था। फिर उनको रिकमेंड किया गया और फिर उन्होंने जो है उसको ऑपरेशन करा के निकलवा लिया। छोटी मोटी जो गांठें होती है ना उनको दवाओं से जो हम डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें सक्सेस रेट कितना आएगा ये कभी भी कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी की बॉडी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो ये कोई भी डॉक्टर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। खासतौर से चर्बी की गांठ को यानी लाइकोमा जिसे हम बिनाइन ट्यूमर करते हैं उसको गलाने के लिए यानी डिजॉल्व करने के लिए, अगर किसी के पास इसका स्पेसिफिक नुस्खा है तो वो करे और उसके पेशेंट जाने वो जाने, मैं कभी नहीं इसके लिए जो है एक दावा करता हूँ कि नहीं आपका ठीक हो जाएगा। हाँ एक फायदा जरूर हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से कि आपको इन फ्यूचर ज्यादा बढ़े ना। सबसे पहले कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो हो गए सो हो गए, सबसे पहला कदम यह है कि वो अब ना बढ़े और जो इन फ्यूचर निकलने वाले हैं वो ना निकले। यानी एक तो है अंदर से ग्रोथ जो है, अगर है कुछ अंदर जो स्किन के अंदर है तो दिख नहीं रहे आपको, तो वो बाहर ना आए, अगर अंदर है तो वहीं डिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, नए बन करके ना निकले, जो बन गए हैं अब वो बड़े ना हो और जो जिस साइज पे हो गए हैं वो थर्ड लेवल की कोशिश है कि वो रिड्यूस हो। उसके लिए चाहे आपको योगा करना हो करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, डाइट पे ध्यान दें, प्रिकॉशन लें और साथ में बहुत थोड़ी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ज्यादा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये फास्ट यानी फ्यूरियस बिल्कुल भी जो डिजॉल्व नहीं होगा, तो इस चक्कर में ना आए, ना किसी धोखे में आए कि किसी डॉक्टर से हम मेडिसिन ले लेंगे और वो डॉक्टर ये कह के आपको मेडिसिन दे देगा कि नहीं आपका बिल्कुल 1 महीने में डिजॉल्व हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर को डिजॉल्व करना यानी कि एक तरह से काफी लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं होता, नहीं, आप अगर प्रिकॉशन लेंगे तो होगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो और हो सकता आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी मिल सकता है। बट मैं इतना जरूर कहूंगा जितने भी बड़े लाइपोमा की गांठें या चर्बी की गांठें हैं उनके लिए आप अपना समय दवाइयों में ना बर्बाद करें, बल्कि जो बड़े बड़े हैं उनको आप करा लें, क्योंकि मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ तो इसका मतलब इतने बड़े बड़े मेरे जो खुद को माई सेल्फ आई गॉट द इमेजेस फ्रॉम द पेशेंट ऑफ लाइपोमा एंड बिनाइन ट्यूमर्स के, इतने बड़े बड़े हैं पैरों में, कहीं बॉडी में। हाँ जो छोटे छोटे, जाहिर सी बात है आप किसी को 40-50 है तो वो जाएगा नहीं जो है वो ऑपरेशन कराने की, बॉडी में कितने जो है वो होल कराएगा, कितने ऑपरेशन कराएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप मेडिसिन को पकड़ लें ताकि आपको ज्यादा और ज्यादा अनवांटेड ग्रोथ ना हो, क्योंकि अगर आपके अंदर ग्रोथ हो रही है और वो रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब हाइपर हो रहा है, जिसको इतनी ज्यादा गांठे हैं, तो मेडिसिन से तो एलोपैथ में कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, उनका सीधा सा है कि भाई आप इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, छोटी हो या बड़ी गांठ हो दवा से डिजॉल्व करने की बात ही नहीं करते। होम्योपैथ ये क्रेडिट लेती है लेकिन सक्सेस रेट की गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं लेता। इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा, कितना कम या ज्यादा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं लेता,
और ना ही मैं कहूंगा कि लेना चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप प्रिडिक्ट करें कि जो है कितने जो है समय में गल जाएगी गांठ। एक सवाल होता है सर, हम आपसे मिलकर दिखाना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम ऑपरेशन तो करते नहीं, हमारा क्लिनिक है हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है? तो इस चीज को समझें, तो आके कोई बात नहीं बनेगी, कोई फायदा नहीं होगा। जो आप इमेज में भेजेंगे वही हम देख लेंगे। बिना ट्यूमर दो तरह का उसके जो अंदर टाइप्स होता है, एक तो जो सॉफ्ट होता है और एक हार्ड होता है, बस इतना ही होता है उसके अंदर। कुछ सॉफ्ट होंगे कुछ हार्ड होंगे, बस इन दो सिम्टम पे खास तौर से जो होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बाकी हाँ, कोई डॉक्टर जो है जब केस टेकिंग करेगा, जैसे मैं कहता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें, फिर उसके बाद 30 मिनट्स आप गए, वो 30 मिनट कहने को होते हैं, उससे ज्यादा भी लोग बात कर लेते हैं, बट हम उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेते। तो उसमें हम आपको क्लियर कट बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो। अदरवाइज मेरे इस वीडियो के माध्यम से तो आप जान ही गए कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर से 1-टू-1 पर्सनल कंसल्टिंग करूँ, मेरी कुछ बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, या मेरी कोई डिसीज थी जिसके बाद मुझे ये हो गया, या एबनॉर्मेलिटीज कुछ थी, या कुछ बॉडी में ऐसे इन्फेक्शन हुए थे उसके बाद इसका अनवांटेड ग्रोथ हो गई और बढ़ती चली जा रही है, तो मैं कम से कम डॉक्टर से कुछ मेडिसिन लेकर इसकी रोकथाम तो कर लूँ पहले, फिर मैं बाद में देखूंगा कि आइदर इसका ऑपरेशन कराना या इसी मेडिसिन से आगे चल करके इसमें काफी फायदा मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी उसको दिखेगी तो वो कंटिन्यू कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना तो आपको आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। उसमें हम आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे, कुछ ऐसा नहीं जो वीडियो में बता दिया गया वही इंड है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम डाइट की बताते हैं जो वीडियो में नहीं बताई गई। हम आपको कुछ योगा बताते हैं, कुछ चीकॉन्ग की प्रैक्टिस बताते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, वो सब कुछ उसमें तो एक्सप्लेन नहीं किया गया ना, वो तो पेशेंट का फीडबैक था। आई जस्ट उससे हमने कहा तो, और उसके बाद उसने एग्री किया, हमने अपलोड कर दिया, कितनी सी बात थी। एक और सवाल आता है कि खर्च कितना आएगा। खर्च ज्यादा नहीं आता है, लेकिन बट हम आफ्टर द कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हाउ इट कुड बी पॉसिबल दैट कि आप घर पे फोन कर बैठ करो, घर पे डॉक्टर से फोन करें, मुझे बुखार है, कितने की दवाई दोगे, व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बहुत सारे पेशेंट करते हैं कि सर कितने की दवाई होगी, कितने का पैक होता। हमारे यहाँ कोई प्री मेड और प्री पेड पैक नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, सो आई एम प्रिपेयरिंग द मेडिसिन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन द केस, आफ्टर द टेकिंग द होल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, तब ना आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ द पेशेंट बॉडी, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या चल रहा है, उसकी स्किन किस लेवल पे जो है, यानी स्किन में जो उसके लाइपोमा है कितने बड़े हैं छोटे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, वही स्टेबल है खड़े हो गए हैं, दर्द कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका स्टूल कैसा है, उसकी नींद कैसी है, उसको स्ट्रेस तो नहीं है, उसका एटमोसफियर क्या है। तो देर इज अ लॉट ऑफ द क्वेश्चन एज ए होम्योपैथिक एवरी डॉक्टर आस्किंग, सब करते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ यहाँ तो काउंसलिंग बहुत लंबी लंबी होती है टू नो द रूट कॉज ऑफ द डिसीज। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप अगर हमसे 1-टू-1 कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज अपॉइंटमेंट बुक कर लें, उसके बाद आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने वीडियो में बता दिया है कि अगर बहुत बड़े बड़े हैं तो आप ऑपरेशन कराएं, जहां पे आपको अच्छा लगता है वहां पे आप करा के निकलवा लें। लेकिन बात एक आती है कि सर कितना कराएंगे, 40-50 जगह तो नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप पहला स्टेप लें कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप पे आपका ट्रस्ट हो, उनसे कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर लें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें सर मुझे मेडिसिन बहुत कम दीजिएगा, भले वो हाई पोटेंसी की हो, ताकि रिपीटिशन का ज्यादा वो ना रहे कि जो है मुझे बहुत ज्यादा मेडिसिन ना खानी पड़े, भले टाइम लगे कोई बात नहीं। तो उससे इंशाल्लाह जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, फिर आप जो है आगे का डिसीजन ले सकते हैं कि आइदर मुझे कुछ दिन इसी पे इंतजार करके देख लेना चाहिए या फिर मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों का, आपका क्लिनिक कहाँ है? तो क्लिनिक मुंबई में है, मलाड है, मालोनी, 4000095 इसका पिन कोड है। एड्रेस के लिए जैसे आप व्हाट्सएप पे हाई करते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमारी तरफ से जो वेलकम मैसेज में आता है उसमें क्लिनिक का नाम जो है और साथ में एड्रेस जो है सब लिखा रहता है, इवन द लैंडमार्क के साथ, और डिजिटल बिजनेस कार्ड का एक लिंक भी साथ में आता है, इस पर क्लिक करके मजीद आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली जम करके जाकर के वीडियोज और सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।